गोंदिया से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जन जयंती उत्सव समिति गोंदिया के स्वयंभू अध्यक्ष अमित भालेराव ने नेशनल असेंबली में झूठा कोटेशन देकर जयंती उत्सव समिति को साज सज्जा के लिए गोंदिया नगर परिषद से 1,00,000 रुपए लिए हैं। उनके दस्तावेज मिलते ही हमने उनके खिलाफ गोंदिया पुलिस में जयंती उत्सव समिति के फंड की हेराफेरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जन जयंती उत्सव समिति गोंदिया के स्वयंभू अध्यक्ष अमित भालेराव ने पत्रकार वार्ता कर मेरे निष्कासन की घोषणा की और मुझ पर कार्यपालिका द्वारा झूठे आरोप लगाए गए जो किसी भी सूरत में सही नहीं है। यह समाज को गुमराह करने की साजिश है। मुझे समाज के आम लोगों ने अध्यक्ष के रूप में चुना है। मैं किसी भी उप समिति का अध्यक्ष नहीं हूँ और उन्हें मुझे निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए बाबा साहेब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और अगले नगरपालिका चुनाव को अपनी आंखों के सामने रखकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। अध्यक्ष अक्षय वासनिक ने राजकीय विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में चेतावनी देते हुए कहा कि हम अपने राजनीतिक हितों के लिए बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल कर लोगों और समाज को गुमराह करने का काम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए उन्होंने खारिज कर दिया। स्वयं घोषित अध्यक्ष अमित कुमार भालेराव उसके द्वारा 7 मई 2023 को एक पत्रकार परिषद की गई। उस पत्रकार परिषद में मेरा निष्कासन का पत्र पूरे पत्रकारों को दिया गया। वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है क्योंकि मैं किसी भी ट्रस्ट के माध्यम से अध्यक्ष नहीं बनाऊँ। मैं अध्यक्ष सार्वजनिक जयंती का बनाऊँ, मैं लोगों के माध्यम से अध्यक्ष बनाऊँ। जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने आर्थिक घोटाला किया, तो निश्चित रूप से समाज की मीटिंग में, समाज की आम सभा में मैं उसका पूरा हिसाब दूंगा। परंतु जिन लोगों ने मुझ पर यह आरोप लगाया है, उन्होंने खुद नगर परिषद से, नगर परिषद में झूठी इन्फॉर्मेशन देकर 1,00,000 रुपये निकाले, उसका उन्होंने हिसाब देना चाहिए। और हम जल्द ही नगर परिषद से जानकारी लेकर जिन्होंने ये सारे कृत्य में जो लोग शामिल थे उनके ऊपर FIR दर्ज करने का हम काम करेंगे। गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।